दोस्तों, क्या आप YouTube पर एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करके अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके YouTube से हर महीने अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आपका YouTube पर चैनल है बट आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो आज का वीडियो जो है आपको बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसके कारण आप अपना एजुकेशनल चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आज मैं आपको वो 5 टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने यूट्यूब चैनल को, अपने एजुकेशनल चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं, चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं और यूट्यूब से हर महीने बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पहला टिप है दोस्तों, चूज़ योर सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट की नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं। आप सब्जेक्ट वही चूज़ कीजिए यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए जिस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी हो, जिस सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी अच्छी हो। मैंने कई YouTube चैनल्स पर देखा है कि एक ही टीचर जो है वो दो दो तीन तीन सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा होता है, मैथ भी वही पढ़ा रहा है, साइंस भी वही पढ़ा रहा है, तो इससे क्या होता है कि वो एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते, एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते और अपना YouTube चैनल जो है वो ग्रो नहीं करवा पाते। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पकड़ना है और उसी सब्जेक्ट की वीडियोज़ जो हैं वो YouTube पर अपलोड करनी है। सेकेंड टिप इज रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी। आपको लगातार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो YouTube पर अपलोड करनी होगी। अगर आप 5 या 6 महीने लगातार एक ही सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो YouTube पर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ अपलोड करते हैं, तो आपका चैनल जो है वो ग्रो होगा ही होगा। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने आज एक वीडियो बनाई और अगली आपकी वीडियो जो है वो 10 दिन बाद आ रही है, 15 दिन बाद आ रही है। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम एक वीडियो जो है वो हर रोज़ आप अपलोड करें। आप एक से ज़्यादा भी वीडियोस हर रोज़ चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, बट कोशिश ये कीजिए कि आप वीडियोस अपलोड करने में रेगुलर रहें, कंसिस्टेंस रहें। दोस्तों, थर्ड टिप है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट जो है वो दूसरे चैनल से अच्छा होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं आसान लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कीजिए। स्टूडेंट्स को ये लगना चाहिए कि आपका चैनल ज्वाइन करके, आपका चैनल सब्सक्राइब करके उनका सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, उनकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आपको अपने कंटेंट पर ध्यान रखना है, आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा करवाना होगा, तभी आपका चैनल जो है वो ग्रो कर पाएगा। फोर्थ टिप इज ऑब्जर्व अदर्स। मान लीजिए आप एक साइंस टीचर हैं और आप एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले आपको दूसरे टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर जाना होगा और देखना होगा कि उन टीचर्स ने फोटोसिंथेसिस सेम टॉपिक के ऊपर कैसे पढ़ाया हुआ है, ताकि आप उन टीचर्स की कमियों को, उन टीचर्स की स्ट्रेंथ को अपने अंदर ले सकें और जब आप फोटोसिंथेसिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों के लिए वीडियो की फॉर्म में उस टॉपिक को प्रेजेंट कर पाएं। तो दूसरों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाना चाहते हैं। तो पांचवा जो टिप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है और वो टिप है स्टिक टू वन प्लान। मान लीजिए आप MSc मैथमेटिक्स हैं और आप मैथ का चैनल जो है वो यूट्यूब पर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा क्या आप जूनियर मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, सेकेंडरी लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आप जूनियर क्लासेस का मैथमेटिक्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने मान लीजिए एक क्लास पकड़ ली 9th क्लास, तो आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना होगा वीडियो बनाना। आप रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा के उस पर वीडियो बनाना मत स्टार्ट कीजिए। पहले आप एक क्लास का सिलेबस स्टार्ट
टू फिनिश रखिए, उसको आप ख़त्म कीजिए, तब जाकर आप दूसरी क्लास का सिलेबस स्टार्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आज आप 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कल 10th का, परसों आप 8th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्लास को और सिलेबस स्टार्ट कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, तब जाकर आप अपने दूसरे प्लान की तरफ आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इन पांचों टिप्स को यूज़ करके आप 100% डेफिनेटली अपने चैनल को ग्रो करवा पाएंगे और अपनी नॉलेज जो है वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से शेयर कर पाएंगे और आप यूट्यूब से अपना चैनल मोनेटाइज करवा के अच्छे से पर मंथ कमा भी पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज के टिप्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।